मुलाकात तय करवा दी, ये कहकर कि इस शख्स के पास कुछ जराइम पेशा अफराद की इंफॉर्मेशन है और ऐसे किसी शख्स को पकड़ने के बाद हासिल होने वाली रिश्वत से ये भी अपना हिस्सा लेगा। टीम सरेआम का नुमाइंदा मुखबर बनकर ASI आरिफ से मिला और दोनों में मामलात तय होने लगे। और आरिफ बस अल्लाह का करम है, लड़के दे रहा हूँ मैं नीचे चार लोग, ठीक है, वो रोड पे छीनते हैं और घरों में डकैतियाँ भी करते हैं, पिस्टल है उनके पास दो, एक 30 बोर है और एक 9 mm पिस्टल, लड़के ये भी सर जाने, हम अगर चार बंदे पकड़े तो कितने फिट करेंगे, कितने छोड़ेंगे? कोशिश मैं ये करूँगा, 8 जुर्म वाले निकले तो 2 तो बंद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेंगे। आप भी पैसों के लिए कर रहे हो, हम भी पैसों के लिए हैरत की बात है कि एक पुलिस अफसर बदमाशों और उठाई गिरों की तरह से बात कर रहा था। उसका फर्ज, पुलिस के महकमे का वक्कार, खौफे खुदा, उसे किसी चीज का पास नहीं था। हमारे नुमाइंदे ने जो मुखबर का रोल प्ले कर रहा था उससे बताया था कि वो साइबर क्राइम में मुलविस लड़के और डकैत गिरोह पकड़वाएगा, जिस पर इस इंसान ने बड़ी बेहयाई से कहा था कि हम उन्हें छोड़ेंगे जरूर लेकिन पैसे लेकर। काम ये है, एक तो है साइबर क्राइम, लोगों के क्रेडिट कार्ड से आउट ऑफ कंट्री से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, ये तो मैं कर लूँगा, होता है ना, क्या मगर 3 का चोरवा रहे हैं, 4 का चोरवा रहे हैं, तो उसमें तो ये होगा कि वो बंद कर दिए, छोड़ेंगे जरूर, ये नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो खाएंगे कहाँ। हमारे नुमाइंदे और पुलिस वालों के गैंग के सरगना आरिफ के दरमियान मामलात तय हुए। जिन डकैतों को पकड़वाने की डील ASI आरिफ से हमारे नुमाइंदे ने की थी, उन डकैतों की निशानदेही का जिम्मा भी टीम सरेआम के उसी खैरखाह ने लिया था जिसने हमें आरिफ से मिलवाया था। सो चंद रोज बाद ASI आरिफ और टीम सरेआम के मुखबर बने हुए नुमाइंदे ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस 2 लड़कों को उठाने का मंसूबा बनाया। ये लोग सुरजानी में रिहाइश पजीर थे जबकि ASI आरिफ सर सैयद थाने में तैनात था और सुरजानी सर सैयद थाने की हदूद में नहीं आता। सो सबसे पहले तो किसी दूसरे इलाके में जाकर किसी को उठाना ही गैर कानूनी था, लेकिन कानून को तो ASI आरिफ और उसका गैंग एक खिलवाड़ समझते थे, लिहाजा रात के अंधेरे में ये लोग पुलिस मोबाइल में सुरजानी में उस जगह पहुंचे जहाँ की निशानदेही हमारे नुमाइंदे ने की थी। इस गैंग में मौजूद हमारा नुमाइंदा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अंधेरा होने के बायस खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग साफ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे सब कुछ वाजे हो रहा है। बड़े भाई कुछ भी नहीं बोल रहा, चलना सोता हुआ आया हूं भैया, शोर नहीं करी और आवाज नहीं निकाल पा रहा हूं। हाजिर बाबा, देख देख कौन कौन है, देखो ये बिना निकला है। इन मुलजिमान को पकड़कर सर सैयद थाने लाया गया जिनकी निशानदेही इस गैंग को सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने की थी और सरेआम की टीम को इनके बारे में हमारे खैरखा मुखबर ने बताया था। इन मुलजिमान को सर सैयद थाने के SHO के कमरे में लाया गया। रिवायती अंदाज में इनके चेहरों पर कपड़ा इसलिए डाला गया था ताकि वो घबराए रहें और खौफ के मारे पहले तो अपने जराइम तस्लीम करें और फिर जल्द से जल्द रिश्वत की रकम मंगवा कर पुलिस वालों को दे दें। मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ तो इन लोगों ने अपनी डकैती की वारदातें तस्लीम करना शुरू की। नहीं सर, मेरे पास कोई वेपन नहीं, अब्बू के पास वेपन था, मेरे अब्बू के पास किसी टाइम पे था। आखिरी वारदात कब की थी तुमने? साहब 4 साल से ऊपर हो गए, कुछ भी नहीं सर, मैं रोज आना जो है 250 रुपए की शराब जरूर पीता हूँ। वारदात तूने अपने साथ की है ना, वो बता। सर मैंने क्या बोला, मैं इन्हीं के साथ जाके करता था, गाड़ी ये चलाते थे, चाकू मेरे पास पड़ा हुआ होता था। चाकू से चिंता है जी सर, वो वैसे तो चलते हुए जिसके कान पे लगा हुआ है, हाथ में चलाते हुए जा रहा है, पकड़ते ही मिल जाए। क्यों छोड़ दिया फिर, जब उसने माना कि मैंने डकैती भी की है, कत्ल भी किया है, फिर छोड़ा क्यों 15,000 लेके? गलती हो गई, थाने दे दी सरकार आपको, बस सॉरी सर। आपके थाने से 15,000 रुपये लेके डकैत को, कत्ल को छोड़ा जा रहा है, अब बात करना मुनासिब नहीं है ये।
तो इस पे तो इंसान को वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि जिसको अपने कमरे का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है या अपने थाने का नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या करता होगा। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। अब इनमें से कुछ मुलजिमान को बाहर सहन में ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। इन मुलजिमान के बारे में हमें निशानदेही करने वाले हमारे मुखबर को इनके डकैती में मुलव्वस होने का तो यकीन था, लेकिन उसे शक था कि इन लोगों से कोई कत्ल भी हुआ है, और उसने अपने इस शक का इजहार हमारे नुमाइंदे से भी किया था। तशद्दुद और तफ्तीश के दौरान जब इन मुलजिमान से ये पूछा गया तो इनमें से एक मुलजिम ने कत्ल का भी एतराफ कर लिया। छोड़ दे, तुम मेरे बड़े भाई जो बंदा मारा पिस्टल से, वो कौन नहीं पिस्टल था बड़े भाई, पेट में गोलियां लगी थी सर। ये तो कमाल हो गया था। जिन मुलजिमान को डकैती के शुभे में महज रिश्वत खोरी के लिए उठाकर लाया गया था, उन्होंने एक कत्ल का एतराफ कर लिया था। अब हमें लग रहा था और होना भी ऐसा चाहिए था कि पुलिस वालों का ये गैंग और उसका सरगना ASI आरिफ पकड़ कर लाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, अपने अफसरान को आगाह करते कि उन्होंने कत्ल का मुलजिम पकड़ लिया है। रही उनकी उन्हें पैसे लेकर छोड़ने की डील की बात, तो वो किसी भी इंसान की जान से ज्यादा अहम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बदकुमाश लोग तो ना जाने किस मट्टी से बने थे। एक शख्स के एतराफ़े कत्ल वाली बात तो जैसे उनके सर पर से गुजर गई थी। उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी और वो थी रिश्वत की रकम। उन्हें बस एक चीज की फिक्र थी और वो ये थी कि इन्हें रिहा करवाने के लिए इनके अहले खाना कितने पैसे देंगे। ये लोग तुम्हें अच्छे पैसे दे जाएंगे मुन्ना वाले, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने में डील करते हो। यार मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का लाख दे दे, पैसे कमाने का टाइम है, इसको जाया मत करो, चार पैसे मिले जो तुम्हें भी मिले। लेकिन अब एक नए मसले ने सर उठा लिया था और वो ये था कि इन मुलजिमान के घर वालों ने कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस वालों से कोई राबिता नहीं किया था। लेकिन फिर खुदा खुदा करके उनके घर वालों में से किसी एक का फोन आया, जिस पर ASI आरिफ ने वाजह तौर पर उन्हें बताया कि थाने का SHO इससे कम पैसों पर नहीं मान रहा, यानी SHO समेत पूरे का पूरा थाना इस धंधे में मुलव्वस था। हेलो, खुदा पाक की कसम खा के बोल रहा हूँ, SHO 50 पे आ रहा है। तुम भी भाई हो मेरे भाई, इनको बोल अगर 15,000 रुपए लाते हैं तो अपने भाई को ले जाए, समझ गए ना। बहरहाल ना 10 लाख, ना लाख, ना 50,000, ASI आरिफ ने कत्ल और डकैती का एक मुलजिम सिर्फ 10,000 में रिहा करने की डील कर ली। मुलजिम के किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे के हाथों के 10,000 रुपए भिजवाए, जिसे आरिफ ने थाने के बाहर इस शख्स से वसूल किया। कौन है तुम्हारे? मेरे बड़े भाई के दोस्त। हमारे नुमाइंदे के सामने एक ही शख्स को रिहा करने की रिश्वत ली गई, जबकि दूसरे शख्स के बारे में ASI आरिफ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उसे छुड़वाने के लिए पुलिस ही में से कोई सिफारिश आई थी, सो हमने उसे पैसे लिए बगैर ही रिहा कर दिया है। क्या वाकई ऐसा था या फिर वो हमारे नुमाइंदे को उसका हिस्सा देने से बचने के लिए ऐसा कह रहा था, अब ये खुदा ही जानता है। असल बात यह है कि 10,000 रुपए के इवज ऐसे मुलजिमान को छोड़ दिया गया था जिन्होंने खुद डकैती और कत्ल का एतराफ किया था। चाकू मेरे पास पड़ा होता था। चाकू से छीनते थे? जी सर, वो वैसे तो चलते हुए जिसके कान पे लगा हुआ है, हाथ में चलाते हुए जा रहा है, पकड़ भी नहीं रहे। और बच्चा छोड़ दे, तुम मेरे बड़े भाई जो बंदा मारा पिस्टल से, वो कौन नहीं पिस्टल था बड़े भाई, पेट में गोलियां लगी थी सर।